नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आप लोगों को आज हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, हम आज रिमझिम भाग चार का पाठ संख्या 6 जो एक कविता है उसे हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों को कविता अच्छा लगता है ना, बहुत पसंद है ना? तो बच्चों, हम आज जिस कविता को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। आप लोगों नाव बनाना पसंद है ना? पेपर से बनाते हो ना? घर में कौन से मौसम में नाव बनाते हो बच्चों? जब बहुत क्या होती है, बारिश होती है। क्या करते हैं हम? छोटी छोटी नाव बना के पानी जो बहती है उसमें हम क्या करते हैं, उसे तिराते हैं। तो इस कविता का हम आनंद लेते हैं। तो बच्चों, चलते हैं हम कविता की ओर। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ है नाव बनाओ नाव बनाओ। हम बढ़ते हैं बच्चों। नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, वो देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब बढ़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। एक छोटा सा बच्चा अपने भैया को बुला रहा है, क्या कह रहा है कि भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाते हैं क्यों? देखो पानी जो है, बारिश जो है, जोर जोर से आ रही है, अब जो है ये पानी हमारे सारी गलियों को भर देगी और हम क्या करेंगे, इसमें सुंदर सुंदर नाव तैराएंगे। किस तरह की नाव बच्चों? ऐसे पेपर की नाव, कागज की नाव। आप लोगों भी आती है ना बनाने? आप भी बड़े सुंदर से बनाते हो ना। इस तरह की नाव बना के पेपर की हम क्या करेंगे, पानी में तैराएंगे। कौन कह रहा है बच्चों? छोटा सा एक बच्चा किसे कह रहा है? अपने भैया को। क्या कह रहा है? भैया मेरे जल्दी आओ भैया, हम लोग नाव बनाएंगे और इस नाव को हम पानी में जाके तैराएंगे। कौन से पानी में? बारिश होने वाली है, घिर घिर कर बादल छाया है, आसमान में चारों ओर क्या है बच्चों? बादल छाया हुआ है। बादल जब काले काले बादल आसमान में जब छा जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? बहुत तेज बारिश होती है। सात समुंदर भर लाया है, सारे समुद्रों का पानी बादल अपने अंदर समेटे हुए आया है और वो क्या करेगा? बहुत तेज बारिश करेगा। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया तुम भी जल्दी आओ, हम भी जो है आज इस बारिश का आनंद लेंगे, मजा लेंगे, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, आज पानी बहुत पड़ेगा, बहुत गिरेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। हमारे घर के अगल बगल जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी गलियां होती है ना बच्चों, उसमें क्या हो जाता है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो क्या होता है, सब पानी में भर जाते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। तो उस समय क्या करेंगे हम? वो बच्चा कहता है उस समय हम क्या करेंगे, ऐसे कागज की नाव बनाएंगे और इस नाव को हम क्या करेंगे, उस पानी में तैराएंगे। लाकर घर में नदी धरेगा, इतनी तेज बारिश होगी कि वो पानी जो है सारे घर में हमारे घुस जाएंगे, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया ऐसे में आप भी खुश हो जाओ। हम क्या करेंगे, नाव बनाएंगे, भैया मेरे जल्दी आओ। तो हम इन पंक्तियों को गा के देखते हैं बच्चों, गाना पसंद है ना, देखते हैं। नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, वो देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर
गुस्से में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और एक बार सुनते हैं बच्चों, नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो छोटा सा बालक अपने भैया को बुला रहा है, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या करेंगे हम जो है नाव बनाएंगे। बच्चों देखिए, नाव नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। घिर घिर कर बादल छाया है, बारिश जब बहुत तेज होती है बच्चों, उससे पहले क्या होता है, चारों ओर आसमान में हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, बादल ही बादल, काले काले बादल, क्योंकि काले बादलों से ही क्या होती है, ज्यादा बारिश होती है ना। सात समुंदर भर लाया है, हमारे सातों समुद्र का पानी भर लेके आया है अपने वो बादलों में, तुम भी रस का सागर भर लाओ भैया। आज हम लोग भी क्या करेंगे, खूब मजे करेंगे, ठीक है। भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, आज जो है पानी सच में बहुत तेज पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, हमारे घर के चारों बगल जो गली है, लंबी चौड़ी गली है, और सारे गलियों में आज क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, लाकर घर में नदी धरेगा। हम लोग घर जहाँ हम रहते हैं, आस पड़ोस में जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो घर के अंदर में भी क्या हो जाता है बच्चों, पानी आ जाती है, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया, इसमें आप भी खुश हो जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। हम चलते हैं बच्चों आगे। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम आओ, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा क्या कहता है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। गुल्लक बोले सबको पता है ना बच्चों, हम छोटे छोटे जो पिगी बैंक रखे अपने घरों में रखते हैं ना सब, क्या करते हैं उसमें, हम क्या रखते हैं उसमें, अगर हमें कोई त्योहार के अवसर पर या कोई हमारे घर आता है तो हमें प्यार से कुछ क्या देता है, पैसे देता है, तो हम उस पैसों को कहाँ रखते हैं बच्चों, अपने उस गुल्लक में, पिगी बैंक को क्या कहते हैं, गुल्लक कहते हैं, उसमें हम अपने पैसे जमा करके रखते हैं। तो बच्चा तो छोटा है तो उसकी गुल्लक कितनी बड़ी होगी, छोटी होगी, और भैया की गुल्लक कैसी होगी, भैया की गुल्लक बड़ी होगी, इसीलिए बच्चा क्या कहता है, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, मेरा गुल्लक छोटा सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अपनी भारी गुल्लक को आप खोलो, पैसे नए नए ही रोलो, जल्दी जल्दी पैसे को निकालो, ठीक है, फिर बाजार लपक तुम लाओ, फिर बाजार जाके जल्दी से चपट के जाओ, और वहां से क्या लेके आने को कहता है, ले आओ कागज चमकीला, क्या कहता है, एक चमकीला सुंदर से कागज ले आओ, लाल हरा या नीला पीला, कागज का कलर क्या बता रहे हो, रंग क्या बता रहा है, लाल हरा या नीला पीला, कोई भी एक कागज ले आओ, रंग बिरंगा खूब रंगीला, जो बहुत सुंदर हो, रंग बिरंगा हो, खूब रंगीला हो, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, कैंची ले आओ, रंग बिरंगी कागज आ गई, कैंची लाओ, चुटकी से जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्या करो, पेपर को काटो, कागज को काटो, और क्या करो बच्चों, एक सुंदर सी नाव बनाओ, कहता है बच्चा, पेपर लेके जल्दी से, एक रंग बिरंगा पेपर लेके सुंदर से नाव बनाओ।
अब हम इसे गा के देखते हैं बच्चों। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा अपने भैया से आग्रह करता है, भैया जल्दी आओ, अपनी गुल्लक से पैसे निकाल के उसी से आप जो है कागज ले आओ, रंग बिरंगा खूब सुंदर सा एक कागज लाओ, अब कैंची लो, सामान लो, जल्दी से उसे काटो और क्या बनाओ, एक नाव बनाओ। किसे कहता है बच्चों? वो अपने भैया से कहता है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़ों से लड़ती, क्या है बच्चों, पानी जो है चारों ओर जब भर जाती है तो कूड़े भी उसमें तैरने लगते हैं ना, तो क्या कहते हैं बच्चों? छप छप कर कूड़े से लड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, पानी ऐसे 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 करके आगे आगे जो है निकल के जा रही है, इसके ऊपर भी बूंदे बूंद जो है गिर रहे हैं। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हरसाओ, भैया नाव बना के उसमें नाव तैराओ और मुझे वो खुशी दो। हरसाओ का मतलब बच्चों किसी को खुश करना। भैया मेरे जल्दी आओ, वो छोटा सा बच्चा क्या कहता है? भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया क्या कहते ये सब मुझसे नहीं होगा, तो बच्चा कहता है क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर क्या किसके बस का, अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर कौन कर पाएगा, क्यों कहते हो आप ऐसे कि ये आपके बस का नहीं है, खोट सभी है बस आलस का, भैया आपको सिर्फ आलस है, आप काम नहीं करना चाहते, आप जाना नहीं चाहते, इसीलिए आप कहते हो कि मैं जो है नहीं बना पाऊंगा, तो ये सब जो है आलस है, आप जो है ये कर सकते हो, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया ये आलस छोड़ो, जल्दी जाओ और मेरे लिए एक सुंदर सी नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ये बच्चा कहता है। अब हम इसे गा कर देखते हैं बच्चों। छप छप कर कूड़ों से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर या किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो बच्चों ये जो है बच्चा कहता है भैया ये सब आलस छोड़ो, ये सब आलस छोड़ के मुझे हरसाने के लिए, मुझे खुश करने के लिए आप जल्दी से जाके नाव लेके आओ, पेपर लेके आओ, कागज लेके आओ, रंग बिरंगा बहुत सुंदर सा, और मेरे लिए एक नाव बनाओ। इस कविता को हरे कृष्ण दास गुप्त जी ने लिखा है। एक छोटे बालक की जो तमन्ना होती है, लालसा होती है, उसको जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर एक कविता में ढाला है कि जब बच्चे छोटे बच्चे के मन में कोई काम को करने की इच्छा होती है, ये वो कुछ चीज चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं अपने बड़ों से। तो बच्चों कविता आप लोगों को समझ आया, पसंद आया। अब हम इस कविता में से कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों हम बढ़ते अपने अभ्यास कार्य की ओर। हम लोगों ने कविता पढ़ी, उनमें उस कविता में कुछ कठिन शब्द आए, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए शब्द अर्थ, सबसे पहले है धरेगा। धरेगा का अर्थ क्या होता है बच्चों? कोई चीज को हम लोग ऐसे कहते हैं, नवा धर दे,
ठीक है। धरने का मतलब है रखना, क्या है धरेगा का अर्थ है रखेगा। ये देखिए हम सामान उठा उठा के यहाँ से क्या कर रहे हैं, सामान उठा उठा के यहाँ से रख रहे हैं ना, तो धरेगा का अर्थ होता है बच्चों रखेगा। गुल्लक, हम लोगों ने कविता में पढ़ी ना, गुल्लक भारी अपनी खोलो हल्की मेरी नहीं टटोलो। तो गुल्लक किसे कहते हैं, देखिए बच्चों ऐसे आप सभी के घर में है, हम क्या करते हैं अगर गुल्लक नहीं है तो भी हम कोई डब्बा ले लेते हैं, उसके ऊपर में ऐसे थोड़ा सा काट के छेदा कर लेते हैं, उसे सुंदर से पेपर चिपका लेते हैं, वैसे भी हम गुल्लक बना लेते हैं। अपने पैसे को जहां हम छुपा के रखते हैं, ऐसे भी गुल्लक होती है, मिट्टी की भी होती है, ठीक है। गुल्लक का अर्थ है पैसे जमा करने के लिए मिट्टी का बॉक्स, यहाँ पे जो है वो एक प्लास्टिक का बना हुआ है, इसी तरह सुंदर से मिट्टी का भी एक बॉक्स होता है। हमारे पुस्तक में भी दिखाया गया है उसका चित्र कैसे गुल्लक होती है, ठीक है। तो बच्चों गुल्लक का अर्थ क्या होता है, पैसे जमा करने के लिए मिट्टी का जो बॉक्स बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुल्लक। टटोलो, टटोलो का क्या अर्थ होता है बच्चों, खोजो। हम जो है अपनी जो झोला लेकर जाते हैं ना विद्यालय में, बैग जिसे कहते हैं, पेंसिल रबड़, कभी कभी हमारी क्या हो जाती है, खो जाती है, हम उसके अंदर हाथ डल डल के ऐसे ऐसे ढूंढते हैं ना, टटोलते, इसी को कहते हैं टटोलो का अर्थ है बच्चों खोजना, खोजो। देखिए हमारा अगला शब्द है रोलो, रोलो का अर्थ होता है बच्चों लुढ़काओ। किसी चीज को हम ऐसे करके लेके जाते हैं, इसका मतलब है उसे लुढ़काना, है ना। यहाँ पे देखिए चित्र में एक गेंद जो है क्या है, ऊपर से लुढ़क के आ रही है, ठीक है, रोलो का अर्थ है लुढ़काओ। देखिए बच्चों हमारा अगला शब्द है लपक, लपक का अर्थ होता है फुर्ती। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक जानते हो ना कौन से जानवर है, चीता। कितनी फुर्ती होती है, वो कितने जोर से ऐसे जो है कोई भी अपने शिकार के ऊपर में वो छपटा मारता है, लपक मारता है, और उसमें उतनी फुर्ती होती है, लपट या वेग, लपक का अर्थ हुआ फुर्ती, लपट या वेग। हर्षाओ, हम लोगों ने कविता में पढ़ा ना, नाव बनाओ मुझको हर्षाओ, हर्षाओ का अर्थ है बच्चों खुश कर दो, मुझे एक सुंदर सी नाव बना के आप क्या करो खुश कर दो। यहाँ पे देखिए गले मिल रहे हैं, कितनी खुश है ना। अगला शब्द देखिए खोट, खोट का अर्थ होता है दोष। हम ना कभी कभी किसी के अंदर की कोई दोस्त को ऐसे बता देते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए हमें, लेकिन अर्थ समझने के लिए खोट का अर्थ होता है बच्चों दोष। अब बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर बच्चों, कविता से। ये हमारा पाठ्यपुस्तक का अभ्यास है बच्चों, क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया क्यों, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। भैया जो है क्या बहाना करते हैं बच्चों, वो बच्चा जब कहता है ना गुल्लक भारी अपनी खोलो हल्की मेरी नहीं टटोलो, क्यों जो है आलस कर रहे हो जल्दी जाओ, तो हम देखते हैं उत्तर में, भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। भैया क्या कहते हैं कि मुझे नाव बनाना नहीं आता, मेरे बस का ये काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। भैया को क्या है, बाजार जाके कागज लाके नाव बनाने में आलस आ रहा था, सुस्ती लग रहा था उसे, वो जो बहाना बना रहा था कि मुझे नाव बनाना नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कविता का ये लाइन है ना, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। उसमें प्रश्न देखिए, कागज बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कागज जो है, हम जो नाव किससे बनाते हैं, कागज से बनाते हैं ना बच्चों, कागज से नाव बनाते हैं, तो यही कागज की जो नाव है वो बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती है। उत्तर क्या है बच्चों, कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कागज की जो नाव है, बूंदे ऊपर से वर्षा की गिर रही है और लहर भी जो पानी में, उससे लड़ते बढ़ते क्या है वो आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, ये भी कविता की लाइन है ना बच्चों, गुल्लक भारी अपनी खोलो। इसमें प्रश्न देखिए,
किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। कविता में हम लोगों ने पढ़ा ना, बच्चा क्या कहता है, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। किसे कहता है वो, अपने भैया को। तो किसकी गुल्लक भारी है बच्चों, देखिए उत्तर में, भैया की गुल्लक भारी है। किसकी गुल्लक भारी थी बच्चों, भैया की गुल्लक, और बच्चे की गुल्लक हल्की है। तो उत्तर क्या है, भैया की गुल्लक भारी है तथा बच्चे की गुल्लक हल्की है। हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, नाव की कहानी। नाव की कहानी एक बार फिर से कविता पढ़ो। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में एक बार फिर से कविता को पढ़ना, ठीक है। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है। इस कविता को जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या है, एक नाव को हम कैसे बनाते, कागज लाते हैं रंग बिरंगा, खूब रंगीला, और उसे हम फिर बनाते हैं। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसे पानी में तैराते हैं, है ना। तो ये एक नाव की सफर पानी में, उसके बारे में एक कहानी छिपी है इस कविता में। मान लो तुम ही वह नाव, आप लोग ये मान लीजिए कि वो नाव आप लोग ही है। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। इसके बाद क्या कहता है कि अब अपनी कहानी आप सबको सुनाओ, कि वो नाव आप लोग है और बनाने वाला कोई बच्चा है जो भी है, लेकिन वो जो नाव बनाया है वो नाव कौन है, हम लोग है, आप लोग है। अब उस कहानी को आपको सुनाना है। कैसे सुनाएंगे, शुरुआत हम कर देते हैं, शुरुआत जो है यहाँ पे हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज से बनी हूँ। हमें क्या है, नाव के बारे में लिखना है, नाव के विषय में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैं एक नाव हूँ, ये नाव है, अब हमें इस नाव के विषय में लिखना है। क्या लिखना है, मैं एक नाव हूँ, ठीक है बच्चों, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज से बनी हूँ। ये क्या से बना है बच्चों, कागज से बना है। मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। मुझे एक लड़के ने बनाया, एक बच्चे ने बनाया, लेकिन ये नाव कहती मुझे उसका नाम तो नहीं पता। अब इस कहानी को हमें आगे बढ़ाना है बच्चों, देखते हैं हम इस कहानी को हम इस तरह आगे बढ़ाएंगे। वह मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया। जब नाव बन जाती है तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो नाव अपनी कहानी बता रहा है कि जब मैं बन गया तो वो बच्चा बहुत खुश हो गया। रिमझिम बारिश हो रही थी। बारिश जो है वो टाइम में कैसे गिर रही थी, उस समय पे रिमझिम गिर रही थी। चारों ओर पानी भर चुका था, चारों ओर क्या था, पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया, उस पानी में जाके बच्चे ने नाव को छोड़ दिया, ठीक है बच्चों। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती रही थी। नाव कहती है मैं पानी के लहरों के सहारे, ऐसे 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 लहरों के सहारे जो है आगे बढ़ती रही। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। उसके बाद क्या होने लगा, बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई, वो नाव जो है पूरी तरह भीग गई, और बिजली के एक खंभे के पास जाकर रुक गई। वो पानी जहाँ बह रहा था वहीं में बिजली का एक खंभा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, नाव भीग चुकी थी, और जाके ऐसे बहते बहते क्या हो गया, वो नाव उस बिजली के खंभे के पास रुक गई। ये एक कहानी नाव अपने बारे में बता रही है बच्चों। हम बढ़ते हैं बच्चों आगे अपने अगले अभ्यास की ओर। आ बारिश, हमारा अभ्यास का नाम है आ बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। बारिश के ऊपर में तो बहुत सारी कविताएं लोकगीत सभी ने सुना होगा ना बच्चों। उसे नीचे दी गई जगह पर लिखो। नीचे जगह दी गई है, उसे लिखना है। हम लिखते हैं वर्षा आई एक कविता को बच्चों। वर्षा आई रिमझिम वर्षा आई, घने काले बादल आए। वर्षा ऋतु के ऊपर में हमें
कविता लिख रहे हैं, कविता बता रहे हैं। कैसे है बच्चों? वर्षा आई हमारा कविता का नाम है। वर्षा आई, वर्षा आई, रिमझिम रिमझिम वर्षा आई। जब बारिश होती है कैसे गिरती है? शुरू से तो एकदम घटड़ा के नहीं गिरता, रिमझिम रिमझिम गिरता है। काले घने बादल आए, कैसे बादलों से बारिश होती है बच्चों? काले घने बादलों से बहुत तेज बारिश होती है ना। उमड़ घुमड़ कर नब पर छाए, ऐसे वैसे इधर भाग रहे उधर भाग रहे, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, उमड़ घुमड़ कर नब पर छाए। मोर नाचने लगे मस्त हो, जब तेज बारिश होती है बहुत तेज, तो मोर जो है बहुत खुश हो जाता है पक्षी, और अपने पंखों को सुंदर से फैलाकर वो मस्त में क्या करता है बच्चों? नाचता है। मेंढक ने भी गीत सुना है, मेंढक भी क्या करते हैं? अटर 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 अपनी आवाज में जो है वो भी गाने गाने लग जाते हैं। नब बिजली लगी चमकने, नब पर क्या है? नब बोले से आसमान में बिजली लगी चमकने, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। सौंधी धरती लगी महकने, मिट्टी से एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है जब बारिश होती है। शुरुआत में जब वर्षा ऋतु आती है ना बच्चों, जब बारिश होती है तो धरती की एक सौंधी सौंधी खुशबू बहुत ही सुंदर महक आती है। रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, बच्चे क्या करते हैं? जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, बारिश गिरती है, तो सब बच्चे जो है नाव, छोटे छोटे नाव बना के क्या करते हैं? उस पानी में तैराना शुरू कर देती है। तो नाव जो है रंग बिरंगे नाव चल पड़े। चंचल सी लहरों पर बहने, रंग बिरंगी नाव कहाँ चली? चल पड़ी बच्चों, चंचल सी जो लहर आती है ऐसे ऐसे करके, तो उस लहरों पर चलने के लिए रंग बिरंगी नाव चल पड़े। धरती पर भी हरियाली छाई, जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है बच्चों? चारों ओर हमें क्या दिखाई देता है? हरा ही हरा, चारों ओर हरियाली छा जाती है। रिमझिम रिमझिम वर्षा आई। हमारी कविता कैसी लगी बच्चों? वर्षा आई। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले अभ्यास की ओर। सचमुच, ये एक शब्द है, क्या है? सचमुच, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। हम लोगों ने कविता में पढ़ा पानी सचमुच खूब पड़ेगा। इस सचमुच शब्द से आप लोगों को दो वाक्य बनाना है। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। ये जो सचमुच शब्द है इसका इस्तेमाल करते हुए हमें भी दो वाक्य बनाना है। हम देखते हैं उत्तर में बच्चों। पहला वाक्य, सचमुच बादल घिर आए हैं। सचमुच बादल घिर आए हैं, एक वाक्य हम लोगों ने बना लिया सचमुच सबसे। अब हम देखते हैं दूसरा, सचमुच पानी जमकर बरसा। क्या है? सचमुच लगा के हम लोगों ने दूसरा वाक्य बनाया, सचमुच पानी जमकर बरसा। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले अभ्यास की ओर। सात समुंदर, कविता में हम लोगों ने पढ़ा ना, सात समुंदर भर लाई है। बादल क्या है? सात समुंदर भर लाई है। अब उन समुद्रों के नाम हम जानने की कोशिश करते हैं। घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। बादल जो है आस्ते आस्ते सारे आसमान में हमें दिखाई देती है, और उन बादलों में पानी जो है वो कहाँ से आती है? वो समुद्र से आती है। कैसे? उसके विषय में भी हम इससे आगे देखेंगे बच्चों। यहाँ पे पहले हमें क्या देखना है कि सात समुद्र का बारे में, कौन कौन से सात समुद्र है पता करो। सात समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है? कविता में हम लोगों ने पढ़ा ना, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुद्र भर लाया है। अब ये सात समुद्र कौन कौन से है बच्चों, हम देखते हैं। पहला है हमारा हिंद महासागर। कौन सा है बच्चों? हिंद महासागर। दूसरा है प्रशांत महासागर। तीसरा है अटलांटिक महासागर। चौथा है उत्तरी ध्रुव महासागर। पांचवा है दक्षिणी ध्रुव महासागर। छठा है अरब सागर। और सातवां है बंगाल की खाड़ी। इन सात समुद्रों के बारे में ही कविता में कहा गया है, सात समुद्र भर लाया है। हमारे
पूरे पृथ्वी में ये जो है बड़े बड़े महासागर है सात, तो इन सातों का जल को ही बादल अपने अंदर समेट के वर्षा करती है। पुनः एक बार इनका नाम देखिए, हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा उत्तरी ध्रुव महासागर, पांचवा दक्षिणी ध्रुव महासागर, छठा अरब सागर, सातवा बंगाल की खाड़ी। आप लोगों को सात समुद्र के नाम भलीभांति समझ आ गए होंगे ना बच्चों। अब हम बढ़ते आगे बच्चों, प्रश्न देखिए, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। क्या सचमुच में बादल समुद्र से ही पानी लाते हैं? और लाते हैं तो कैसे लाते हैं? इसके विषय में आप लोगों को आपस में बातचीत करना है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों कैसे लाते हैं। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। इस विषय को जानने के लिए आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं और आप किताबों का भी सहायता ले सकते हैं। हम उत्तर देखते हैं बच्चों, हाँ बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। तो बच्चों बारिश के जो बादल होते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलेगी? समुद्र से ही मिलेगी। तो उत्तर क्या है? हाँ बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। अभी आप लोगों को इस भाप के विषय में मैं बताती हूँ। जब घर में मम्मी खाना बनाती है ना, जब उसके ऊपर ढक्कन लगा के रखती है, तो कोई दिन मम्मी से जाके बोलो क्या कि मम्मी जरा से हल्का से उस ढक्कन को हटा के दिखाओ। आप देखोगे उसके अंदर छोटी 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 बूंदे दिखाई देगी आपको। अगर वो ढक्कन हटा देने के बाद में आपको दिखेगा धुआं उड़ रहा है, वही धुआं ऊपर हम अगर ठंडे चीज के कोई ढक्कन लगाते हैं तो उसमें जाके लग के क्या बन जाती है बच्चों? पानी के बूंद। उसी तरह समुद्र से सूरज की गर्मी से क्या होता है? महासागर के बड़े बड़े समुद्रों के क्या होते हैं? पानी जो है वाष्प बन के उड़ते हैं सूरज की गर्मी के कारण। आगे देखते हैं, वहां इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ति ले लेती है। आसमान में क्या करते हैं? भाप बन के जब उड़ते हैं छोटी छोटी बूंदों की शक्ल ले लेते हैं पानी की, और वो जो है साथ में जो है मिल जाते हैं, ठीक है। और तब जो है वो क्या बनते हैं बच्चों? बादलों का रूप ले लेते हैं। वही बूंदे बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती है। वही छोटी छोटी बूंदे जो समुद्र से भाप बन के सूर्य की गर्मी के कारण जो भाप बन के उड़ जाते हैं, छोटी छोटी बूंदे क्या करती है बच्चों? सब मिल जाते हैं आपस में, एक साथ मिल जाते हैं और बादल का रूप लेके वही बूंदे बारिश बनकर क्या करते हैं? बरसते हैं। देखिए बच्चों इसका एक चित्र भी है। देखिए बच्चों इस चित्र में आप लोग इस चित्र को देख के भलीभांति समझ जाएंगे कि समुद्र का पानी कैसे वाष्प बन के बादलों का रूप लेके फिर वो बादल क्या करते हैं? वर्षा करते हैं बच्चों। ऐसे देखो सूर्य का गर्मी से क्या होता है? समुद्र के जो पानी है वो क्या होते हैं? वाष्प बन के धुआं की तरह उड़ जाते हैं, फिर वो बादलों का रूप ले लेते हैं बच्चों। और यही बादल जब बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें पानी की बूंदे जमा हो जाती है तो वो क्या करते हैं बच्चों? वर्षा करते हैं। और वो हमारी पृथ्वी, साथ ही साथ क्या है, हम जिस धरती में रहते हैं वहां पे, और समुद्र में भी गिरता है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले अभ्यास की ओर। आई बरसात, हमारा अभ्यास का नाम है आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकने लगता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? जब वर्षा ऋतु आती है ना बच्चों, बहुत तेज बारिश होती है तो क्या होता है? खिड़कियों से भी बौछार जिसे क्या कहते हैं वो अंदर आ जाती है, दरवाजों से पानी आ जाती है। हमारे जो जमीन है घर की ये सतह जो है
वो भी एक तरह की गीले गीले हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीलन। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम देखते हैं बच्चों इसका उत्तर। जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं, सही है ना। क्या करते हैं, जब बहुत तेज बारिश आती है, बौछारें अंदर आने लगती है, तो हम क्या करते हैं, दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। जब छत से पानी टपकता है, प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, जब छत से पानी टपकता है और बरसात हो रही है तेज, हम बाहर नहीं जा सकते उस छत को बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, नीचे कोई प्लास्टिक बिछा देते हैं या कोई बड़ा बर्तन रख देते हैं ताकि पानी की बूंद उसमें गिरे। बाद में टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। जब वर्षा बंद हो जाती है, कम हो जाती है, तब हम जहां से पानी टपकता था उस जगह का मरम्मत कराते हैं, या जमीन में जहां वो सीलन आ जाती है, गीले हो जाते हैं, उस जगह का मरम्मत हम कराते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। आप सब जानते हो जब बहुत तेज बारिश आती है, चारों ओर बारिश के जो पानी है वो भर जाते हैं, तो तुम्हारे आस पड़ोस में लोग क्या करते हैं, ये आप लोग खुद जानते हो। अब इसका एक उत्तर हम देखते हैं बच्चों। हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां पानी से भर जाती है। क्या है, इतने तेज बारिश होती है हमारे यहाँ पे, तो क्या होता है, चारों ओर पानी भर जाता है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, काम वाले शब्द। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा बहुत सारे शब्द काम वाले हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न बच्चों, पिछले साल बिंझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। बनाना का अर्थ यहाँ में वो बनाना, केला वाला बनाना नहीं, कोई चीज को हम बनाते हैं, जैसे क्या है, खाना बनाना, कपड़े बनाना। बनाना जो है ये शब्द क्या है बच्चों, काम वाला शब्द है। काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। हम जो है काम वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया कहते हैं। जो शब्दों से ये पता चले कि वो कोई काम वाला शब्द है, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, क्रिया शब्द। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं। हम जो कविता पढ़े ना, नाव बनाओ नाव बनाओ, इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं और काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। आप लोगों को कविता में से ढूंढना है और नीचे लिखना है। मैंने जो है उत्तर लिख के लाया है, तो देखते हैं कौन कौन से काम वाले शब्द हैं। पहला है आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, खोलना, टटोलना, चलाना, अड़ना, लड़ना, बढ़ना, गढ़ना, हर साल। ये जो है सब जितने शब्द है बच्चों, ये सब सब जो है काम वाले शब्द है। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, क्रिया शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, हम क्रिया शब्द। अब देखते हैं आगे बच्चों, तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं, अब हम लोगों ने जितने भी वो शब्द को छांट के हम लोगों ने बताया ना, वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे एक दो तीन आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। वर्णमाला याद है क्या, किसे कहते हैं हम, वर्णमाला स्वर व्यंजन मात्राएं इनको मिला के जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्णमाला। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ मैं वर्णमाला भी रखी हूँ, ये है स्वर, ये है व्यंजन। इसको लिखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, छोटी ही बड़ी ऐसे लिखते हैं, ऐसे क ख ग घ ऐसे लिखते हैं ना। तो हमें उन शब्दों को, उन क्रिया वाले शब्दों को इन्हीं के अनुसार एक दो तीन नंबर में लगाना है। सबसे पहले देखिए उत्तर में क्या लिखा है हमने, अड़ना। अ जो है सबसे छोटा वर्णमाला का हमारा सबसे पहला शब्द है। उसके बाद आना, आना देखिए बड़ा आ से हो गया। खोलना, अब इसमें जो है अगला शब्द आ गया हमारा का के बाद खा, का वाली कोई शब्द नहीं थी, सिर्फ खा की जो शब्द आई उसे हम लोगों ने यहाँ लिखा। अगला देखिए गढ़ना,
गा से है, गा खा के बाद गा आती है ना, तो गा खा के बाद गा वाले शब्द लिखा हम लोगों ने। उसके बाद घिरना, देखिए गा के बाद क्या है, घा है, घा से एक शब्द मिला तो उसे हम लोगों ने यहाँ लिखा घिरना। फिर उसके बाद लिखा चलाना, देखिए गा के बाद ये आना चा, चा से चलाना। फिर देखिए छाना, चा के बाद ये देखिए छ, छ से छाना। अब छ से और कोई शब्द नहीं है। फिर इसके बाद हमारा अगला है टटोलना, देखिए ट, इन व्यंजनों से कोई शब्द नहीं मिले, उसके बाद हमें मिला ट वाली शब्द, तो यहाँ देखिए हम लोगों ने टटोलना। अब देखिए उसके बाद है धरना, ट ठ, इसके बाद आके देखिए ये आया ध, ये आया ध, तो यहाँ पे हमारा शब्द जो आ गया धरना। उसके बाद देखिए प, पढ़ना, वैसे ही ब, फा के बाद ब, ब से बढ़ना। भरना, ये देखिए भा है भरना। लड़ना, ल इनके बाद वाला व्यंजन इसीलिए यहाँ लिखा लड़ना। लहराना, ला से ही है, ला से ही लाना, लाइन से लिखे हम लोगों ने। लास्ट में हर्षाना, ह यहाँ पे है तो हर्षाना। इसी तरह आप लोग को नंबर में लिखना था उन क्रिया वाले शब्दों को। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ एवं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता भली भांति समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इसे बड़े ही उत्सुकता से सुना और देखा। तो बच्चों अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। जाते जाते यही कहूंगी कि आप सब घरों में सुरक्षित रहिए और अपने अपने सेहत का ध्यान रखें, साथ ही साथ पढ़ाई भी करें। धन्यवाद बच्चों।